पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं, आवाज पाकिस्तान के पार जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, ये होगा शेरों वाली आवाज। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं डीएलजी श्री पुष्पेंद्र जी राठौर जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने एक बात कही, 135 साल का इतिहास बहुत कम होगा, मौत का कफन बांधा हर एक ने, और हमारे ये जवान, हमारी ये बेटियां, ये वर्दी नहीं है, ये मौत का कफन है। मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए जब ये निकलते हैं, या निकलते थे, या निकलेंगे, एक ही आवाज निकलती है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आदरणीय हमारे बड़े भाई हिंदुस्तान के मंत्री, युवा नेता और एक उस संगठन से निकले हुए जहां सिर्फ राष्ट्रभक्ति है, सीमाओं की रक्षा है, श्री कैलाश चौधरी जी, बागी राजी, गणपत जी, बापना जी, राजेश जी, जिन्होंने माता रानी के मंदिर के निर्माण की, मेहता जी ने, नीबू जी ने एक शुरुआत की, और सरदार सतविंदर सिंह जी कमांडेंट साहब, और यहां पे बैठे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और मेरे बीएसएफ के वो जवान जो कड़क सर्दी के अंदर, कड़क गर्मी के अंदर हम सोते हैं, वो जागते हैं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं।